वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पिज्जे की रेसिपी बनाएंगे, चिकन टिक्का पिज्जा बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, ये 2 कप मैंने मैदा लिया, 1 अंडा लिया और इसे बीट कर लिया है। हम अंडा हाफ डालेंगे, 2 टेबलस्पून चीनी लिए और 3 टेबलस्पून ऑयल लिए और ईस्ट लिए 1 टेबलस्पून, नमक लिए 1 टेबलस्पून। अब हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स मैदे में डालेंगे। पहले हम इसको हाथ से ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। हम इस डो को नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसको गूंद लेंगे। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना। ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे कवर अप करके 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी ये डो राइज हो जाए। तब तक हम पिज्जे पे लगाने के लिए चिकन टिक्का मसाला रेडी करेंगे। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये मिक्सचर मैं 2 पिज्जे के लिए रेडी कर रही हूँ। और आपने भी इसे बोनलेस लेके इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर हरा मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही सिरका डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। सबसे पहले मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्राई करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। हमें इसमें कोई मसाला ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने सभी मसाले डाल के इसको मैरिनेट किया था। अब हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने डो का बड़ा सा पेड़ा बना लिया। अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन इसकी तय को हमने ज्यादा बारीक नहीं रखना, हमने पिज्जे की तय को मोटा मोटा ही रखना है। अब हम ये डो पिज्जा पैन में रखेंगे। डो को पिज्जा पैन में रखने से पहले पिज्जा पैन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर डो को रखें। ये हमने पिज्जा पैन में डो को रख दिया। ये पहले हम टमाटो प्यूरी लगाएंगे। ये टमाटो प्यूरी की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैंने स्पेगेटी वाली रेसिपी में टमाटो प्यूरी बनाना भी सिखाया है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये हमने टमाटो प्यूरी लगा दी है। अब हम सबसे पहले थोड़ी सी चीज क्रश करेंगे। अब हम शिमला मिर्च के पीसेस लगाएंगे। प्याज के कुछ पीसेस लगाएंगे। अब हम चिकन के कुछ पीसेस लगाएंगे। अब हम मोज़रेला चीज क्रश करेंगे। अब हम लास्ट में थोड़े से कॉर्न्स और ऑलिव्स लगाएंगे। और फिर थोड़ी सी मोज़रेला चीज क्रश करेंगे। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैं ऊपर थोड़ी सी गरम मिर्च स्प्रिंकल करूंगी। थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स।
अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। और ओवन में रखने से पहले ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा पिज्जा भी रेडी हो चुका है। ये देखने में ही बहुत मजे का और चीजी लग रहा है। उम्मीद है आपको आज की मजे की रेसिपी पसंद आई होगी। गाइस आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह एक और मजे की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।